जिया सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। दिन भर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामा में बात करेंगे लखनऊ के इकोना स्टेडियम की तरह पूर्वांचल में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की। भाजपा सांसद व कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्ज की और उस पर कांग्रेस के पलटवार की। और होगी बात सपा को लगे बड़े झटके की। विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज के प्रसारण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक की। साथ ही बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव की जी तोड़ तैयारियों की। और अंत में बात करेंगे बिपरजॉय तूफान के यूपी में साइड इफेक्ट की। लेकिन खबरनामे की शुरुआत सुर्खियों के साथ। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए थोड़ी परेशानी, थोड़ी राहत वाला दिन रहा गुरुवार। मेरठ के सपा जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने सपा छोड़ थामा भाजपा का हाथ। यूपी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गांव से लेकर शहरों तक होंगे भव्य आयोजन। फिर होगी रद्द हुई ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा। बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा, मचा हड़कंप। यूपी नेपाल सीमा पर स्थित 9 जिलों के मदरसे यूपी सरकार के रडार पर, फिर होगी जांच। बंद हुआ लखीमपुर का विख्यात दुधवा नेशनल पार्क 15 नवंबर को फिर खुलेगा। सीतापुर में मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर को लगाने की अनुमति की चर्चाओं को डीएम ने बताया अफवाह। अब आइए बात करते हैं देश के बहुचर्चित मामले की। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच चल रही जंग में सांसद के लिए गुरुवार का दिन थोड़ी परेशानी तो बड़ी राहत जैसा रहा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि दूसरी तरफ उन्हें पाक्सो जैसे गंभीर मामले में बड़ी राहत मिल गई है। कई महिला पहलवानों के मुकदमों को लेकर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में ब्रजभूषण के विरुद्ध धारा 354, 354 ए और 354 डी के तहत 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी। दूसरी तरफ पाक्सो मामले में पुलिस ने नाबालिग पीड़िता और उसके पिता के बयानों को आधार बनाते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। पाक्सो के आरोप को बेबुनियाद पाया जाना ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद भाजपा खुले तौर पर न तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी नजर आ रही है और न ही उनसे दूरी बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन अब पार्टी के कुछ नेता जरूर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खुलकर आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखा पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में एमएलसी ने कहा है कि ब्रजभूषण के खिलाफ साजिश राजनीति से प्रेरित है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की इस प्रेसवार्ता की, जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोजित किया गया।
प्रेसवार्ता पर मोर्चा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संभाला। इस दौरान उन्होंने शुरुआत ब्रजभूषण शरण सिंह को बाहुबली और अमित शाह की आंखों का तारा बताते हुए की, साथ ही दिल्ली पुलिस को अमित शाह की पुलिस बताया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, उसके करीब 500 पन्नों में बेशर्मी की हद पार करते हुए पॉक्सो में ब्रजभूषण को क्लीन चिट दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की का उल्लेख करते हुए कहा कि इतने बड़े आदमी पर आरोप लगते ही सारा तंत्र, पुलिस, सत्ता सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, फिर पिता के हवाले से बयान वापस ले लिया जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर तंज कसते हुए कहा कि अब यह नारा बेटी डराओ और बेटी ब्रजभूषण बचाओ हो गया है। उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, हाथरस कांड जैसी कई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली का यह मामला अकेला नहीं है। कांग्रेस द्वारा आनन फानन में बुलाई गई इस प्रेसवार्ता को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ इसे पहलवानों के मुद्दे को सशक्त ढंग से सामने रखने का प्रयास बता रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस के हाथ लगे भाजपा को घेरने के उस मुद्दे का छिन जाना बता रहे हैं, जिसे कांग्रेस पहले से ही दिन से धार देने में जुटी हुई थी। अब आइए बात करते हैं सपा को लगे बड़े झटके की। सपा के मेरठ जिला अध्यक्ष जयबीर सिंह सपा को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की मौजूदगी में कमल का फूल थाम लिया। जयबीर सिंह 2013 से 2017 तक जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन और दो बार डायरेक्टर भी रहे। जयबीर सिंह इससे पहले भी जुलाई 2008 से अप्रैल 2017 तक सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी अप्रैल महीने में उन्हें फिर से सपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें स्थानीय राजनीति में सपा का बड़ा चेहरा माना जाता है। इसी के साथ सपा के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक भी भाजपा में शामिल हो गए। यूपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गांव स्तर तक योग शिविरों का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए ग्रीष्म अवकाश के चलते बंद चल रहे बेसिक स्कूलों को एक दिन के लिए खोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, लेकिन सभी स्कूल 20 और 21 जून को दो दिन खुलेंगे। इनमें से 20 जून का दिन तो स्कूलों की सफाई और कार्यक्रम की तैयारी में चला जाएगा। स्कूलों में होने वाले योग कार्यक्रमों में छात्र हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रथम 3 स्थान पर आने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। अगली खबर प्रयागराज से जुड़ी है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दोनों की हत्या क्यों की गई, यानी हत्या का मोटिव क्या था, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। दोनों की हत्या 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल में पुलिस अभिरक्षा में की गई थी। हत्या करने वाले 3 शूटरों को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। शूटरों ने अपने बयान में हत्या करने की वजह अपराध की दुनिया में नाम कमाने की ख्वाहिश होना बताया था। हालांकि उनकी इस थ्योरी पर किसी को यकीन नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस भी अब तक हत्या की वजह का साफ तौर पर खुलासा नहीं कर सकी है। विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज के प्रसारण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फिल्म को लेकर कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अशोक श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने कहा है कि सामाजिक सौहार्द कायम रखने और राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए फिल्म पर पाबंदी लगाना जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को अपने आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। फिल्म पर यह रोक फिल्म के परीक्षण और विचार होने तक जारी रहेगी। अब इस मामले में 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। 25 मार्च 2021 को रद्द हुई ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी पदों की संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया
फिर शुरू होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पुनः इस परीक्षा का आयोजन कराएगा। इसके लिए 1953 पद हेतु 26 और 27 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 18 मंडल मुख्यालयों पर 4 पालियों में कराई जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 14,27,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी का हर पेंच कसने में रात दिन एक किए हुए हैं। अपनी इन्हीं कोशिशों को अमली जामा पहनाने के लिए अब अखिलेश यादव ने 30 जून को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ के अहम पदाधिकारियों की इस बैठक में बूथ लेवल तक के संगठन को मजबूत करने के साथ अखिलेश यादव के आगामी दौरों के कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के साथ ही अब पूर्वांचल में भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रख सकते हैं। यह स्टेडियम वाराणसी जिले के राजा तालाब स्थित गंजारी में बनेगा। इसके निर्माण पर करीब 400 करोड़ का खर्च आएगा। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम वर्ष 2024 तक बनकर तैयार होगा। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का चयन व अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली है। अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर होते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। यूपी के बदायूं जिले से बड़ा मामला सामने आ रहा है। इसे लेकर समूचे प्रशासन में हड़कंप सा मचा हुआ है। यहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक लेखपाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। टीम लेखपाल को लेकर बदायूं जिला मुख्यालय पहुंचकर कार्रवाई में जुटी है। यह मामला बिसौली तहसील के मकरंदपुर निवासी एक किसान से पैमाइश के बदले रिश्वत वसूलने का बताया जाता है। पकड़े गए लेखपाल का नाम आदित्य तोमर है, जो बिसौली तहसील में तैनात है। बताते हैं कि पैसा मांगने की सूचना किसान ने एंटी करप्शन ब्यूरो में कर दी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित 9 जिलों के मदरसे योगी सरकार के रडार पर आ गए हैं। इसके चलते अब इन मदरसों की फिर से जांच शुरू हो गई है। इस जांच के लिए उच्च स्तरीय टीमों का गठन किया गया है, जो 13 जुलाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। करीब साल भर पहले यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे कराया था। इसकी रिपोर्ट शासन में पहुंची तो इनमें इन 9 जिलों के मदरसों की फंडिंग का कोई सीधा जरिया सामने नहीं आया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का मानना है कि यूपी नेपाल सीमा पर जहां यह मदरसे बने हैं, वहां का रिहायशी इलाका ऐसा नहीं कि जो चंदा या जकात में बड़ी रकम जुटा सके। ऐसे में संदेह पैदा हुआ है कि इनको फंडिंग गलत हाथों से आ रही है। इन मदरसों को फंडिंग कैसे और कहां से हो रही है, इसकी ठीक से जानकारी के लिए पुनः जांच कराई जा रही है। मथुरा जिले में लामबंद हुए वकीलों ने महिला थाने का घेराव और रास्ता जाम कर महिला थाना प्रभारी की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया है। वकीलों ने आरोप लगाया है कि महिला थाना प्रभारी द्वारा उनके साथ ना तो सही व्यवहार किया जाता है और न ही महिला उत्पीड़न मामलों में कोई जानकारी दी जाती है। आगरा मथुरा मार्ग पर जाम लगने की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और वकीलों को 24 घंटे में समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन देकर जाम हटवा दिया। पिछले कुछ समय से ठंडे बस्ते में चला गया लगने वाला सम्मान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर हलचल मचाने की ओर बढ़ रहा है। विधि आयोग ने एक बार फिर पब्लिक नोटिस जारी कर इस पर आमजन तथा मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी है। राय भेजने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। हालांकि इस मामले पर मुस्लिम समाज धर्मगुरुओं का रुख पहले की ही तरह विरोध का बना हुआ है। लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रसीद फिरंगी महली ने कहा है कि अपने मुल्क में ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहां पर हर 200 से 300 किलोमीटर पर कल्चर
और ट्रेडिशन बदल जाते हैं। मौलाना ने कहा कि इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को ही एतराज़ नहीं है बल्कि सभी रिलीजस के अपनी पर्सनल लॉ हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस तरह कानून किसी पर न थोपे। बिजली विभाग से बड़ी कार्रवाई की खबर है। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने वितरण खंड के एक 88 अभियंता सहित 5 कर्मियों को निलंबित करते हुए गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मामला बलिया के विद्युत वितरण खंड द्वितीय का है। यहां तैनात 88 अभियंता आशीष कुमार अग्रवाल, लेखाकार राहुल यादव, कार्यालय सहायक दुर्गा दत्त और अब्दुल मारिफ तथा ड्राफ्टमैन राजेश कुमार पर इस कार्रवाई की गाज गिरी है। इन सभी पर विभाग के O&M मद में फर्जी बिलिंग के जरिए लगभग 28 करोड़ के घपले का आरोप है। जांच में मामला साबित होने के बाद पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन M देवराज के निर्देश पर इन सभी को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उधर जिले के अधीक्षण अभियंता की तहरीर पर गबन का केस दर्ज किया गया है। शूट आउट में मारे जा चुके माफिया अतीक के गुर्गे बमबाज गुड्डू मुस्लिम की चिकन शॉप को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। यह चिकन शॉप चकिया मोहल्ले में अतीक के दफ्तर के पास है। वकील उमेश पाल हत्याकांड में नामजद गुड्डू मुस्लिम के फरार होने के बाद इस चिकन शॉप को सीज किया गया था। 2 दिन पहले यह चिकन शॉप फिर से खुल गई। इसके बाद पुलिस प्राधिकरण टीम ने दुकान को दोबारा सीज कर किसके इशारे पर दुकान खुली इसके लिए जांच बैठा ली है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। अब खबर अयोध्या के राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई। चल रही तैयारियों के मुताबिक अयोध्या स्थित भव्य श्री राम मंदिर जनवरी 2024 से आम लोगों के दर्शन हेतु खुल जाएगा। इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार के दीपोत्सव को मेगा इवेंट बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए इस दीपोत्सव पर 21 लाख दीपक जलाए जाने का निर्णय लिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है जो त्रेता युग की याद दिलाती है। लोकसभा चुनाव को लेकर योगी ने कहा है कि बहुत से लोग अयोध्या आने को लालायित हैं, लेकिन मैं अयोध्या की गरिमा के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। अब खबरें सीतापुर जनपद से। आइए बात करते हैं सीतापुर जिले में सक्रिय मवेशी चोर गैंग की। थानगांव इलाके में ग्रामीणों ने चोरी के मवेशी लाद रहे गैंग की आहट पाकर उन्हें घेर लिया। ग्रामीणों को आता देख चोर अपना पिकअप वाहन छोड़कर अंधेरे में भाग निकले। पिकअप से 3 भैंसे बरामद हुई हैं। यह मामला थाना क्षेत्र के शंकरपुर झिसनी गांव का है। पिकअप से मिली 3 भैंस सीपतपुर निवासी दिनेश यादव की बताई जाती हैं, जो 2 दिन पहले चोरी हो गई थी। इस इलाके में मवेशी चोर गैंग लगातार सक्रिय हैं। अब तक इस इलाके में 2 दर्जन के करीब पालतू मवेशी गायब हो चुके हैं। सीतापुर के 9 परीक्षा केंद्रों पर गुरुवार को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान परीक्षार्थियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। यही कारण है कि चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी में भी 90% से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। आपको बता दें कि सीतापुर में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 7226 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 6524 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और केवल 702 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार 90% से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। पहली पाली में पंजीकृत 3613 में से 3260, दूसरी पाली में पंजीकृत 3613 में से 3264 परीक्षार्थियों ने
परीक्षा दी। सीतापुर में जीडीसी, जीआईसी, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, आरबीएसबीएस इंटर कॉलेज कमलापुर, आरएमपी इंटर कॉलेज, आरएमपी डिग्री कॉलेज, श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिधौली और उजागर लाल इंटर कॉलेज को बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष की हाईस्कूल टॉपर प्रियांशी सोनी ने एक बार फिर सीतापुर जिले को गौरवान्वित किया है। बुधवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ टॉपर छात्रा को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रियांशी को 1,00,000 रुपये की चेक, प्रशस्ति पत्र, टैबलेट व मेडल प्रदान किया। प्रियांशी सोनी महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज की छात्रा है। इस वर्ष की हाईस्कूल परीक्षा में उसने 98.33% अंक प्राप्त कर यूपी टॉप किया है। प्रियांशी को यह सम्मान मिलने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर अंबारिश भी, सांसद राजेश वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक आशा मौर्य, ज्ञान तिवारी, साकेत प्रताप वर्मा, पैंतेपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उरूज आलम आदि ने बधाई दी है। बैंक ऑफ इंडिया की सीतापुर और लखीमपुर शाखाओं से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए यह सूचना खुशखबरी के समान है कि अब उन्हें कई तरह के ऋण कम समय में उपलब्ध होने लगेंगे। ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए सीतापुर में बैंक के लघु खुदरा व्यवसायी केंद्र यानी मिनी आरबीसी सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन हरदोई जोन के जोनल मैनेजर कुमार प्रशांत ने किया। इस सेंटर का इंचार्ज सुनीता पांडे को बनाया गया है। बताया गया कि यह सेंटर खुलने से बैंक की सीतापुर लखीमपुर जिला समेत सभी शाखाओं के ग्राहकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसमें ग्राहकों को कम समय में वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण आसानी से मुहैया कराया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर बैंक के सीतापुर शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार, ब्रजेश चंद पांडे आदि मौजूद रहे। सरकार एक ओर तो बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ तो एक स्कूल घरों से निकले गंदे पानी की झील बना पड़ा है। यह हाल तब है जब स्कूल की ओर से कई बार जिम्मेदारों तक फरियाद पहुंचाई जा चुकी है। मामला सीतापुर के नेपालापुर स्थित महर्षि विद्या मंदिर का है। अच्छी खासी छात्र छात्रा संख्या वाले इस विद्यालय के सामने पूरी नैमिषपुरम कॉलोनी के घरों से निकला गंदा पानी आकर जमा होता है। विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं से लेकर आम राहगीर भी इस गंदे पानी के बीच होकर निकलने को मजबूर हैं। विद्यालय प्राचार्य शिक्षा दीक्षित ने इस समस्या को लेकर कई बार गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ग्रीष्म अवकाश खत्म होने वाला है। एक बार फिर बच्चे स्कूल की ओर लौटेंगे। इस बार भी उन्हें गंदे पानी की झील को पार करके विद्या के मंदिर में जाना पड़ेगा। क्या सिस्टम की नज़र उनकी दिक्कत पर जाएगी? यह सवाल बना हुआ है। सीतापुर जिला मुख्यालय पर एनसीपी जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में चल रहा धरना लगातार जारी है। विभिन्न नागरिक समस्याओं को लेकर यह धरना 12 जून को शुरू किया गया था। जिला अध्यक्ष का कहना है कि ग्रामीण स्तर की विभिन्न योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उन पर पर्दा डाले बैठे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैंची धाम के स्थापना दिवस पर सीतापुर के मछेटा स्थित इंडियन बैंक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंची धाम के पूज्य बाबा नीम करौरी का पूजन अर्चन कर प्रसाद वितरण किया गया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कसबंडा के कोकना मऊ में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में महिला आरक्षी साधना सिंह और सरला यादव ने महिलाओं व बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 112 1090 181 के बारे में जानकारी दी। चौपाल में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, ग्राम सचिव नीतू वर्मा, प्रधान मिथिलेश कुमारी, मास्टरबाग चौकी प्रभारी अनीश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। विश्व योग दिवस के लिए चल रही तैयारियों के क्रम में महिला योग पतंजलि समिति ने
सीतापुर में जागरूकता रैली निकाली। यह रैली शहर के लोहारबाग और विजयलक्ष्मी सहित कई मोहल्लों में पहुंची। इस दौरान डॉक्टर अंशु गुप्ता ने योग के महत्व से लोगों को अवगत कराया। सीतापुर के भाजपा कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने की। बैठक में सभी पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार के नववर्ष पूरे होने के सिलसिले में आयोजित होने वाली आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में महामंत्री विश्राम सागर राठौर, रोहित सिंह, राजेश शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष रमेश भार्गव, जिला मंत्री सुधीर सिंह और मीडिया प्रभारी पवन सिंह सेल्फी सहित तमाम वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबर लाउडस्पीकर से जुड़ी हुई। सीतापुर में मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब इसे लेकर जिलाधिकारी अनुज सिंह का बयान सामने आया है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि जनपद में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय अथवा किसी भी सक्षम स्तर से किसी प्रकार का नया आदेश जारी नहीं किया गया है। इस तरह की भ्रामक अफवाहों को लेकर किसी के द्वारा प्रसारित किया जाता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर जिले में भयंकर गर्मी का प्रकोप दिन रात जारी है। ऐसे में जरूरत के मुताबिक विद्युत आपूर्ति न होना जन सामान्य को बेहाल कर रहा है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने इसे लेकर चिंता जाहिर करते हुए विद्युत अफसरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए निर्देशित किया है। डीएम ने कहा है कि जहां जहां समस्या है उन जगहों को चिन्हित कर तत्काल दुरुस्त किया जाए और जहां जर्जर तार हैं उन्हें तत्काल ठीक करा दिया जाए। यह दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने बिजली कनेक्शन दिए जाने के संबंध में आयोजित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। डीएम ने विद्युत बिलों में गड़बड़ी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बिलिंग की कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि जो भी बिल निकाले जाएं वह रीडिंग के अनुसार ही निकाले जाएं। बैठक में सीडीओ अक्षत वर्मा, पीडी सुशील कुमार श्रीवास्तव और बीएसए अजीत कुमार के साथ विद्युत विभाग के असासी अभियंता सहित संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। आइए अब आपको लखीमपुर खीरी जिले की खबरों से रूबरू कराते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क के गेट आम पर्यटकों के लिए बंद होने से। यूपी के मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्मी का सितम पूरे सबाब पर है, लिहाजा लोग पहाड़ों या घने जंगलों की छांव की ओर दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में अपने में वन्य जीवों के दिलकश नज़ारे समेटे दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों का आसान पिकनिक स्पॉट बना हुआ था। अब ऐसे पर्यटकों को निराश होना पड़ेगा। 15 जून से दुधवा नेशनल पार्क को 15 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। वैसे पार्क का यह मौजूदा सत्र तमाम खट्टी मीठी यादों के लिए जाना जाएगा। इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए तो वहीं संरक्षित जानवरों, बाघ और तेंदुआ की मौत ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया। देर से ही सही, शासन जागा और समूचे पार्क प्रबंधन का तख्ता पलट हो गया। पुराने अधिकारी चलता कर दिए गए, नए अधिकारियों ने पदभार संभाल लिया। लखीमपुर जिले में चल रही हर घर नल से जल योजना का जायजा लेने यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुड़िया खेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करते हुए परियोजना का जायजा लिया और गांव वालों से जलापूर्ति के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने पाइपलाइन डालने के बाद मार्ग मरम्मत के बारे में ग्रामीणों से पूछा, साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का फीडबैक लिया। सरकार की अन्य योजनाओं का फीडबैक लेने के बाद मंत्री ने DPMU के ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर शारदा शुक्ला को सवाल का सही जवाब न देने पर फटकार लगाई। जल निगम ग्रामीण के आशासी अभियंता योगेंद्र कुमार नीरज ने मंत्री को बताया कि इस परियोजना के तहत 460 कनेक्शन दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि जहां हर घर नल से जल पहुंचाने का काम गति नहीं पकड़ेगा वहां जिम्मेदारी तय करते हुए
कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा गुरुवार को जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दो पालियों में आयोजित इस परीक्षा में 350 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। नकलविहीन परीक्षा संपन्न करवाने के लिए एडीएम संजय कुमार समेत एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, एसडीएम मितौली विनीत उपाध्याय, एसडीएम मोहम्मदी पंकज श्रीवास्तव, एसडीएम गोला रत्नाकर मिश्रा, एसडीएम निगासन राजेश कुमार एवं डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह सहित जिले के अधिकारी भ्रमणशील रहे, परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और जानकारी ली। वहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भी परीक्षा पर नज़र रखी गई। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे 4,667 परीक्षार्थियों के लिए जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लखीमपुर खीरी एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में समस्त थानों पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्राम, कस्बों, बस अड्डा, सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख चौराहों, प्रमुख बाजारों, मंदिर, शिवालयों, शॉपिंग मॉल आदि के आसपास गश्त चेकिंग करते हुए महिलाओं व बालिकाओं को आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 व साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों के सीयूजी नंबर आदि के बारे में जानकारी दी गई। लखीमपुर खीरी में योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर विधायक सदर योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह आदि ने दीप प्रज्वलित किया। इसके अतिरिक्त सभी तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों पर भी योग सप्ताह पर भव्य कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर हरवंश कुमार ने किया। योग प्रशिक्षक कुलदीप वर्मा के निर्देशन में सभी अतिथियों ने योगाभ्यास किया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वयं के साथ विश्व और प्रकृति के बीच एकत्व खोजने का भाव है। आपको बता दें कि नवा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह 15 से 21 जून तक मनाया जाएगा एवं 21 जून को नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रमुख आयोजन होगा। बेहद शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बिपरजॉय के साइड इफेक्ट सीतापुर सहित पूरे यूपी में पिछले दो दिनों से दिख रहा है। सुबह होते ही एक ओर तेज धूप निकल रही तो दूसरी ओर आंधी जैसी तेज हवाएं लोगों को डरा रही हैं। हर कोई इसे बिपरजॉय तूफान से जोड़कर चर्चाएं करता नजर आ रहा है। आंधी जैसी तेज हवाओं में बड़े बड़े पेड़ों के साथ शहर में लगी होर्डिंग्स गिरकर धराशायी हो रही हैं। राजधानी लखनऊ में तो होर्डिंग्स के नीचे कार दब गई थी जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने इस घटना से सबक लेकर बिपरजॉय के प्रभाव तक नई होर्डिंग्स लगाने पर रोक लगा दी है। बिपरजॉय तूफान का प्रभाव कब तक रहेगा इसे लेकर मौसम विभाग भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।